जब भी हम कोई लैपटॉप या फिर कंप्यूटर बाय करने चाहते हैं तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि हमें कौन सा प्रोसेसर बाय करना चाहिए। देखिए, अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग प्रोसेसर होते हैं, यानी कि उनके काम के हिसाब से अलग अलग प्रोसेसर्स होते हैं। किसी को मल्टीटास्किंग करनी होती है, किसी को गेमिंग खेलनी होती है, किसी को वीडियो एडिटिंग करनी होती है, या फिर किसी को सिर्फ मूवीज़ ही देखनी होती हैं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड्स होती हैं, अलग अलग उन्हीं के हिसाब से प्रोसेसर डिज़ाइन किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपके काम के हिसाब से कौन सा प्रोसेसर आपको बाय करना चाहिए, क्या क्या उसकी एंड कौन कौन से प्रोसेसर आपके लिए अवेलेबल हैं, क्या क्या उनमें डिफरेंसेस हैं, सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वंस, आप देख रहे हैं दानबॉक्स। यानी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ, तो उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मार्केट में गए होंगे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को बाय करने के लिए, तो आपके सामने ये दो नाम ज़रूर आए होंगे, इंटेल और राइजन। एंड इसमें भी आपको काफ़ी सारे प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे, एंड इंटेल में भी आपको काफ़ी सारे प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे, i3 राइजन 3, i5 राइजन 5, i7 राइजन 7, i9 राइजन 9। एंड दोनों ही प्रोसेसर में काफ़ी ज़्यादा टक्कर भी रहती है, क्योंकि राइजन आपको काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल मिल जाता है, लेकिन इंटेल की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू राइजन। एंड जैसी प्राइस होती है वैसी यहाँ पे परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिलती है। इंटेल की परफॉर्मेंस राइजन के अकॉर्डिंग अच्छी होती है, बट इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, प्रोसेसर की बात आती है तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट आता है क्लॉक स्पीड। एक प्रोसेसर कंपनी यहाँ पे क्लॉक स्पीड को हमेशा ज़्यादा ही बताती है, क्योंकि हमने एज ए बेंचमार्क इसको डिसाइड कर रखा है कि जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा प्रोसेसर एफिशिएंट होगा। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, ऑप्टिमाइजेशन भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है। ऑप्टिमाइजेशन अगर एप्लीकेशंस की अच्छी है तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो क्लॉक स्पीड है वो यहाँ पे सेकेंडरी बेंचमार्क एक्चुअली में होना चाहिए था, बट यहाँ पे हम लोग इसको प्राइमरी बेंचमार्क मानते हैं। दोस्तों, सेकंड पॉइंट आता है अनलॉकिंग। अनलॉकिंग एक ऐसा फीचर है जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रोसेसर की जो कैपेबिलिटी है या फिर जो स्पीड है उसको इनहांस करा सकते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ बाइक या फिर कार का। जब भी हम कोई बाइक या फिर कार बाय करने जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं इसकी मैक्सिमम स्पीड स्पीडोमीटर में कितनी है। आपको देखने को मिलती होगी 180, 200, 220 के आसपास, या फिर किसी किसी में 160 भी होती है। बट एक्चुअली में ये जो बाइक या फिर कार होती हैं वो हमें जो स्पीड देती हैं वो काफ़ी कम होती है जितनी वहाँ पे मेंशन होती है। हम सिर्फ 100 तक या फिर 120 तक मैक्सिमम इसको चला पाते हैं, लेकिन इसको आप एक मैकेनिक की हेल्प से थोड़ा सा इंक्रीज़ करा सकते हैं 10 to 20 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही यहाँ पे प्रोसेसर में भी एक फीचर होता है अनलॉकिंग का, जिसकी हेल्प से आप जो प्रोसेसर की स्पीड है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करा सकते हैं उसको अनलॉक करा के। देखिए, इंटेल के जो प्रोसेसर होते हैं उसमें अगर इंटेल का जो प्रोसेसर का नंबर है उसके लास्ट में अगर K आता है तो उसके अंदर ये अनलॉकिंग का फीचर अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपके प्रोसेसर के अंदर भी K है तो उसकी स्पीड को आप थोड़ा सा इंक्रीज़ करा सकते हैं उसको अनलॉक करा कर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मल्टी थ्रेडिंग और हाइपर थ्रेडिंग। दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग एक्चुअली में सेम है। जो AMD वाले होते हैं यानी कि राइजन वाले, वो इसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग, एंड जो इंटेल वाले होते हैं वो इसको बोलते हैं हाइपर थ्रेडिंग। अब थ्रेडिंग का मीन यहाँ पे क्या है उसको समझना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, थ्रेडिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि कितने ज़्यादा टास्क आप एक साथ रन करा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे राइजन में ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग का फीचर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप 24 टास्क एक साथ रन करा सकते हैं राइजन 9 में। वही अगर इंटेल 9 की बात करी जाए तो यहाँ पे सिर्फ 16 टास्क ही आप रन करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट इंटेल का भी है कि यहाँ पे आप हैवी टास्किंग काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे मैं टेबल दिखा देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे कि कितने मल्टीटास्किंग कौन से प्रोसेसर में आप कर पाएंगे। दोनों का ही एक साथ यहाँ पे दे रखा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गेमिंग की। गेमिंग एक स्पेशल पॉइंट है, क्योंकि आजकल गेमिंग का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा इंटेल का प्रोसेसर, क्योंकि इंटेल के प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं गेमिंग के लिए, एंड हैवी टास्किंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उसके लिए भी इंटेल काफ़ी अच्छे से आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। इंटेल के i7 एंड i9 में आप 4K वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं इजीली, एंड साथ ही राइजन 7 एंड राइजन 9 में भी आप वीडियो एडिटिंग 4K पे कर सकते हैं। कोई इशू उसमें भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो चारों प्रोसेसर आपके लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं।
सकते हैं, लेकिन गेमिंग के लिए मैं प्रेफर करूंगा इंटेल का i9 प्रोसेसर, काफी ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है सॉकेट का। सॉकेट आपको पता ही होगा कि जो प्रोसेसर होता है वो मदरबोर्ड में लगाया जाता है, एंड जहां पे प्रोसेसर को लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं सॉकेट। देखिए सॉकेट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो इंटेल कंपनी है वो अपने सॉकेट हर जनरेशन में चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते। अगर आपके पास कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है और आप अपने प्रोसेसर को अपग्रेड करना चाहते हैं, i7 से i9 पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो प्रोसेसर का जो सॉकेट है यानी कि जो मदरबोर्ड में सॉकेट लगा हुआ होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते। बट राइजन का जो सॉकेट है वो स्टार्टिंग से लेके अब तक सेम रहा है। 2021 में राइजन ने बोला था कि इसको अब अपग्रेड कर दिया जाएगा, यानी कि इसको चेंज कर दिया जाएगा, बट अभी तक चेंज नहीं हुआ है। एंड आगे कब चेंज हो जाएगा कुछ पता नहीं है, बट अब तक राइजन का जो सॉकेट है वो सेम है, एंड जिसकी वजह से आप अपने राइजन का जो प्रोसेसर है उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। अगर आप राइजन 3 यूज़ करते हैं तो आप राइजन 9 तक भी अपग्रेड कर सकते हैं, बट इंटेल में ये फीचर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो इस केस में राइजन के पास एक प्लस पॉइंट और बन जाता है। अब बात करते हैं इसकी प्राइजिंग की। तो दोस्तों राइजन की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू इंटेल। इंटेल के जो प्रोसेसर होते हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, एंड हैवी टास्किंग के लिए वो यूज़ होते हैं, तो इसलिए उनके प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होती है, बट प्राइस के अकॉर्डिंग उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी होती है। तो अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं या फिर नॉर्मल यूज़ करते हैं अपने पीसी को, तो आप राइजन के साथ जा सकते हैं, राइजन 3 राइजन 5 के साथ भी जा सकते हैं, एंड इंटेल 3 एंड इंटेल 5 के साथ भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। बट अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं या फिर कोई हैवी टास्किंग करना चाहते हैं तो इंटेल के प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट रहने वाले हैं। एंड अगर आप मल्टीटास्किंग को ज़्यादा ही करते हैं तो राइजन 9 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है मल्टीटास्किंग के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।